हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों को अभी तक नहीं पता था और बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट मेरे द्वारा आप सभी लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन जो हुआ है 9th-10th का, इसका आप सभी लोगों का आंसर किया आएगा, उसके बाद आप सभी लोगों का रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों की मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के भी अलग अलग प्रक्रियाएं होते हैं और उस प्रक्रियाएँ में अगर आप सभी लोगों के किसी भी सेक्शन में नंबर कम होते हैं तो आप सभी लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, जिसका प्रोसेस मैं आप सभी लोगों को अब बताता हूँ। सबसे पहले मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी लोगों ने अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिला लिए होंगे। बट बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके माइनर मिस्टेक होने के कारण किसी के अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके माइनर मिस्टेक नहीं हुए, उन लोगों का जो पेपर अच्छा गया और उनके जो अटेम्प्ट हैं वो भी अच्छे आए हैं और उनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें आप सभी लोगों के पेपर के लेवल के बारे में, तो आप सभी लोगों का जो पेपर का जो लेवल है मॉडरेट टू टफ लेवल का देखा जा रहा था। आगे अगर हम लोग बात करें फाइनल मेरिट के बारे में, तो उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं, जो आप सभी लोगों का फाइनल मेरिट बनता है ये तीन प्रोसेस से बनता है। पहला प्रोसेस रहता है आप सभी लोगों का, मान लीजिए दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट एक है और एक कैंडिडेट दूसरा है, दोनों को अगर सेम नंबर 80-80 नंबर आ रहा है, दोनों को अगर 80-80 नंबर आ रहा है, तो आप बताइए दोनों में से सिलेक्शन होगा किसका। मान लीजिए अगर किसी दोनों का नंबर सेम आ गया तो फिर उसका देखा जाता है जीएस का पेपर। क्या देखा जाता है? जीएस का पेपर देखा जाएगा कि जीएस में दोनों में से किसको ज़्यादा नंबर है। मान लीजिए अगर इस कैंडिडेट को ज़्यादा नंबर होगा तो इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर जीएस में भी दोनों का नंबर सेम हो जाता है, जब अगर जीएस में भी दोनों का नंबर सेम हो जाएगा तब देखा जाएगा एज, तब देखा जाएगा एज में कौन बड़ा है उसका नौकरी होगा, उसका ही मेरिट बनेगा, आपका नहीं बनेगा। एज में ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए किसी का एज 29 साल है, किसी का एज 30 साल है, तो ये इससे बड़ा हो गया। मान लीजिए कि अगर इसका अगले साल एज ख़त्म हो जाएगा तो ये तो अगले साल नहीं भर सकता है, बट ये अगले साल भर सकता है। इसके लिए जो है कि इसका ना मेरिट में नाम ना आ करके इसका नाम आ जाएगा, तो वो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके लिए फिर से मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, आप सभी लोग अपने कमेंट मेरे का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जीएस में कितना स्कोर है और फिर ओवरऑल कितना सब मार्क्स आ रहा है ये कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे जो है कि एक परफेक्ट डाटा मुझे और आप सभी लोगों की तौर से मिलती रहे। कोई भी हवाबाजी नहीं करेगा, जितना नंबर आ रहा है आप सभी लोगों को उतना नंबर ही बताना है, क्योंकि आप सभी लोगों का पेपर के लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मॉडरेट टू टफ लेवल का आप सभी लोगों के पेपर का लेवल था। उसके बावजूद भी अगर हम लोग स्कोर की बात करें तो अधिकतर कैंडिडेट के स्कोर अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अराउंड 21% ऐसे कैंडिडेट जिनका 90-100 के बीच में स्कोर आ रहा है। देखिए 90-100 के बीच में स्कोर उसी का आ रहा है जो आप सभी लोगों के मैथ्स में 80 क्वेश्चंस थे, इसमें से अधिकतर कैंडिडेट ने 68+ सही किया है और अधिकतर कैंडिडेट ने 70+ सही किया है। 70+ सही उसी कैंडिडेट का है जिसके जो 4-5 जो क्वेश्चंस आप सभी लोगों के प्रोबेबिलिटी के थे, 2-3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे फंसाने वाले, वो जो क्वेश्चन जिसके गलत नहीं हुए वो 80 में से इतना नंबर लेके आ जा रहा है और जिसके क्वेश्चन वो गलत हुए हैं उसका स्कोर 68 और 68 से नीचे भी आ रहा है। रही बात जीएस के बारे में, तो जीएस के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, अधिकतर कैंडिडेट का जो स्कोर है 20 से 22 नंबर के बीच में रह रहा है। अधिकतर कैंडिडेट जिनका करंट अफेयर जो लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग था, उनका स्कोर यहाँ से 25+ देखने को है। ठीक है, तो मैंने जो आप सभी लोगों को टायर ब्रेक का जो प्रक्रिया समझाया है अभी तक किसी ने यूट्यूब चैनल वाले ने बताया नहीं, अगर वो लोग बता देते तो उनका धंधा ही बंद हो जाएगा, बट मैं आप सभी लोगों को फैक्चुअल डाटा देता हूँ। मुझे आप सभी लोगों को बस गाइडेंस देना रहता है, जो इन्फॉर्मेशन रहता है जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, हवाबाजी वाली कोई बात नहीं है, ये आप सभी लोगों का टायर ब्रेक कहा जाता है, इसी को कहा जाता है टायर ब्रेक। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी दो कैंडिडेट का नंबर सेम होता है तो उसे फिर 3 फेज से गुजरना पड़ेगा, पहला फेज जीएस का पेपर, दूसरा फेज एज और फिर उसकी बनती है मेरिट। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी लोग अभी बता दिया है, ऐसा नहीं कि बाद में आप सभी लोग कमेंट करके बोले कि सर मेरा कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आया। पिछली बार ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ था, बट किसी भी टीचर ने इसके बारे में नहीं बताया था, बट मैं फिर से आप सभी लोगों को अभी
बता दिया हूँ और मैं ऐसा करता हूँ आप सभी लोगों को सारी बात समझ में आई होगी। चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में भी कि इस बार कट ऑफ आप सभी लोगों का कितना जा सकता है। और आज शाम में मैं आप सभी लोगों के लिए लाइव आ रहा हूँ। लाइव में आप सभी लोगों को मैं पूरा कंफर्म करके बता दूंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में। आप सभी लोग मेरे से लाइव में जब मैं आऊँगा तो आप सभी लोग वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव का टाइमिंग मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे। पिछली बार की तरह 10 बजे आप सभी लोगों को लाइव आना है और उसमें जुड़ना है। मैं आप सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट के बारे में वहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करके बता दूंगा, जिसका पूरा PDF कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम लोग बात करें 9th-10th के मैथ्स के बारे में तो ये देखिए पूरा PDF ऐसा ही PDF आप सभी लोगों को मिलेगा। UR की बात करें तो आप सभी लोगों का जो UR का जो कट ऑफ है 100 नंबर देखने को मिलेगा। और UR फीमेल की बात करें तो 91 नंबर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। EWS की बात करें तो 93 जाएगा मेल का, और फीमेल का 80 के आसपास देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी है आप सभी लोगों की EBC। EBC का मैं आप सभी लोगों को बता दूँ 82 के आसपास देखने को मिलेगा मेल का, और फीमेल का जो कट ऑफ है 76 के आसपास देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की BC का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों का 95 के आसपास देखने को मिलेगा, और BC फीमेल का जो कट ऑफ है 82 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की SC का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों का 70 के आसपास देखने को मिलेगा, और SC फीमेल का जो कट ऑफ है 59 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बात करें ST के बारे में तो ST मेल का जो कट ऑफ है 61 के आसपास देखने को मिलेगा, और ST फीमेल का जो कट ऑफ है 55 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैंने आप सभी लोगों को कट ऑफ कितना जाएगा वो भी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। टायर ब्रेक के बारे में भी बता दिया है मैंने आप सभी लोगों की, अगर आप सभी लोगों का GS पेपर में नंबर नहीं आता तो आप सभी लोगों को स्कोर और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक सीट के ऊपर 2.77 का कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत कम है इस बार 11th-12th में, सॉरी 9th-10th में। 9th-10th की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 1-5, 6-8 9th-10th में 8 सीट के ऊपर 8.52 सीट का कंपटीशन है, यानी कि एक सीट के ऊपर 8 कैंडिडेट का आप सभी लोग कंपटीशन देखने को मिलेगा। मैंने आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में बता दिया है कि 3 स्टेज में आप सभी लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा। कट ऑफ ज़्यादा और क्लियर होने के बाद भी आप सभी लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता है, किस कारण से नहीं आएगा, ये भी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। फाइनल कट ऑफ किस बेसिस पर बनेगा ये भी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। और इसके बावजूद भी अगर आप सभी लोग कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग फर्दर कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 अगस्त के आसपास आप सभी लोगों का आंसर की जारी हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है कि आप सभी लोगों का रिजल्ट आने के भी चांसेस हैं। भगवान से दुआ मनाइए कि आप सभी लोगों का जो सुनवाई होने वाला है केस में ये केस जल्दी सोल्व हो जाए और आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है जल्दी जारी कर दिया जाए और आप सभी लोगों का ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रक्रिया बहुत स्पीड में हो, आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो, TRE 4.0 की वैकेंसी आए, ठीक है। तो बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।